मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। मैं अपील करता हूं कि दो महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। दो महीना छोड़ दीजिए, आप उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। दो महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना, इसका आप कुछ भी नहीं हो सकता है। यह हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया है। आप इसे क्यों सर पे उठा रहे हैं? आप नागरिक हैं, मत उठाइए। मैं ये बात किसी अतिरेक में नहीं कह रहा आपसे, आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो। तुम पूछ लो ना सरकार से कि पुलवामा पे हमला हुआ, आप रैली संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे थे आप। सात दिन बाद जब कश्मीरी लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तब कहते हैं हमारी लड़ाई कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं है। ये आप पहले दिन भी कह सकते थे जब आपका होम मिनिस्टर कह रहा था। तो पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है तो वो क्या करता है कि ध्यान ना जाए कि ये सरकार से पूछना हमारा काम है, तो आपके ही बीच कह रहा है कि आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। अब वही चार लोग एंटी नेशनल इनको मिले इतने बड़े देश में, चार एंकर और एक वकील। अब उनसे बोर हो गया तो एक तेंदुलकर गावस्कर को खोज के ले आए, जिस गावस्कर और तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के जरिए हमको अपने इंडियननेस में, हिंदुस्तानियत पे गर्व करना सिखाया, अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया। तभी मैं कहता हूं, मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह आता कि तुम इस ढाई महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो, इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है।